मेरा नाम जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। मैं लखीमपुर खीरी जिला के बहादुर नगर चौराहे पर रेहड़ी की दुकान लगाता हूँ। मुझे नगर पालिका द्वारा दिया गया लोन, जिससे मेरा कार्य कुशल रूप से चल रहा है। मुझे पहले 10,000 रुपए का लोन मिला था, जिसको मैंने अच्छे से जमा कर दिया। उसके बाद मुझे 20,000 रुपए का ऋण लोन मिला था और 20,000 रुपए अब मैं वो जमा कर रहा हूँ। जमा कर देने के बाद मुझे 50,000 रुपए तक लोन की सहायता मिलने की बात बताई गई। सरकार का काम बहुत अच्छा है, हम रेहड़ी पटरी दुकानदार हैं, हम लोगों के लिए भी सरकार काम बहुत अच्छा कर रही है। मैं सुल्तान सिंह गांव बुढ़ा खेड़ा निवासी सुविधा में कार्य करता हूं। मैंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 रुपए का पहले लोन लिया, फिर उसके बाद में 20,000 रुपए का लोन लिया, जो कि मैंने समय पर चुकाया है। उसके बाद मुझे 50,000 रुपए का लोन लिया, जिससे मेरा कार्य अच्छी प्रकार से चल रहा है और मैं अपने कार्य में को निष्ठावान से करता रहूँगा। हमारी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को इस योजना चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम राम लोचन शर्मा भेल, गांव कड़तवा, श्याम सुंदर हमर पिता भेलखिन, उनका इलाज है जीवन अस्पताल में। आयुष्मान भारत के तहत इलाज भए रहल छै, कोई तरह के दिक्कत हॉस्पिटल में नहीं छथिन, सब चीज दवाई बीरो हर चीज फ्री मिल रहल छै। एहि तरह मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। हमर नाम पुनीता देवी भेल, घर लोकली धाम भेल, हम आयुष्मान भारत पर में बच्चा के इलाज कर रहल छी, हमर बच्चा बीमारी है जन्म से, एहि के लेल हम मोदी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करै छी। हमर नाम राम उद्गार यादव भेल, ग्राम मोहनपुर भेल, हमरा पेशाब द्वारा में गड़बड़ रहा, हम जीवन हॉस्पिटल में भर्ती छी प्रधानमंत्री योजना आयुष्मान कार्ड से। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी की रहने वाली हूँ, राशन मिलता है मुझे, 10 किलो चावल मिलते हैं और गेहूँ मिलते हैं और सही है, तो जो मिलता है हमारा हो जाता है, खाने का महीना भर का हो ही जाता है। फिर मैं मोदी सरकार को धन्यवाद करती हूँ, मुझे राशन मिल जाता है, मेरे बच्चों का हो जाता है पूरा और महीना भर का राशन पूरा हो जाता है। उस खर्चे से हम पैसा बचते हैं, उससे घर का खर्चा पूरा चला लेते हैं, जैसे भी बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं। मेरा नाम लाजवंती है, मैं लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ। मुझे 20 किलो गल्ला मिलता है तो उसी में बच्चों का पालन पोषण करती हूँ और जो पैसा बचता है तो बच्चे के कपड़ा लत्ता है लेती हूँ, पढ़ाई लिखाई में लगाती हूँ। अब मोदी सरकार को धन्यवाद बोलती हूँ।